गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ये देखिए बाहर कौन है। मैंने अभी दरवाजा खोलना ही स्टार्ट किया ही पहले ही आ गई। डैडी 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 डैडी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। डैडी मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मॉर्निंग गुड कैसे होती है। बना ये देखिए, बना बना बना। नो नो, डराना नहीं। राइट, जा अभी पूरी रात तो अंदर पिजा घूम के आ जा बाहर। बना देखो, आपको लोग देख रहे हैं। बना आप लोग देख रहे हैं, पता है? हेलो बन्ना, हेलो। मेरे हाथ में कीड़ा अभी। हेलो हेलो, अच्छा अच्छे से करो, अच्छे से करो बन्ना। हेलो, ईट नहीं करना है, ईट नहीं करना है। हेलो करो, देखिए नहीं कर रही है। एक्चुअली ये रात को आज बाहर थी तो ये भी नाराजगी जता रही। देखे एक और कीड़ा लेके आई है, कितना छोटा सा कीड़ा है। मेरा पत्थर पता नहीं कहाँ चला गया, इधर से कीड़ा तो इधर ही पत्थर में दिख रहा है मुझे। बना वो छोटा सा पत्थर मिला है, एक तो मार दिया मैंने, दूसरा भी खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी करनी है, कुछ भी करनी है। मच्छर काट रहे, तूने हेलो क्यों नहीं किया है? हेलो क्यों नहीं किया सबके सामने? बना एनर्जी भी क्या हुआ, मिट्टी कहाँ लेके आई? बना बना, बस ये करना है, इसको यही पसंद है। यहाँ पे इसको चोट लगी है, कहीं टांग पे मच्छर आ रहे है बार बार। बना 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 बना, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ अपने, दिखा दो। ये देखिए एक और कीड़ा, शायद नहीं कीड़ा नहीं है, ये आराम से निकाल देती इसको आंख में। हाँ देखेंगे, हाँ बोल रही है, निकाल देती है। बना इसकी आंख के आसपास कभी कीड़े होते हैं, निकालने देती है आराम से। बना कल मैंने इसके कान के भी बहुत सारे कीड़े निकाले थे, शायद यहाँ पे फिर से आ गए। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक कीड़ा है, कान इसका बहुत ठंडा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बादल थोड़े बड़े हुए हैं हमारे। ये देखिए अभी सब चीज साथ में, मक्की भी डाली थी हमने देखने के लिए कि ट्राई करते हैं ये बनती है या नहीं बनती है। ये थोड़ी बड़ी हो रही है, ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसे पानी की बूंदे, कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितना क्लियर आएगा जूम करके ये पानी की बूंदे इस पे। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, मैंने सोचा ये काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ, एक छोटी सी क्लिप। देखिए मेरे हथियार, ये देखिए अभी मैं साफ सफाई का काम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं सोचा ये भी दिखा देती हूँ, जब गार्डनिंग वगैरह सब दिखा रही हूँ तो ये भी तो मेरा काम है। जो मैं ये काम कर रही हूँ तो ये भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए एक्चुअली मेरे घर में टाइल मार्बल वो सब नहीं है यहाँ पे, इसमें हमने शीट डाला है तो ये इसलिए ऐसा नजर आता है बीच में से कट सा।
शीट के पीस है यहाँ पे, ये देखिए। अच्छा चलता है ये शीट, अभी इसको एक साल होने वाला है, लेकिन ठीक है, इतना खराब तो नहीं हुआ अभी तक। नीचे से फर्श कच्चा है, जहां पे है ज्यादा उबड़ खाबड़ टाइप है, रेत वगैरह बजरी कुछ छोटे छोटे पीस हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। मेन डोर के साथ में यहाँ पे है थोड़ा सा फट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चलना फिरना रहता है। ये वाला है थोड़ा, एक साल हो गया इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़े से इसको कट पड़े है। चलने फिरने का भी रीजन है, बट इसको नीचे से भी यहाँ पे उबड़ खाबड़ ज्यादा था, तो इसलिए ये फट रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। देखिए, मैंने सुबह झाड़ू पोछा सा सफाई करने के बाद में यहाँ से बेडशीट वगैरह हटा दी है, तो ये नीचे मैंने एक गद्दा रखा है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, अच्छा लगता है नीचे बैठना। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बेडशीट डालनी है और दो से तीन तकिए रखती हूँ मैं। यहाँ पे एक चेयर रखी मैंने बैठने के लिए, और ये रहा मेरा बेड। वो बुक रखी है मेरे बेटे की वहां पे, छोटा सा इसका बैग है, मैं दिखाती हूँ आपको, इसका हैंड बैग शायद कहते हैं इसको, हंस रहा है मुझे देख के, तो यही कहते हैं शायद, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, तो ये मुझे देख रहा है कि यार ये इसकी बुक है SST की, कल इसका पेपर है। और ये रहा मेरा प्यारा सा बेड। वो ग्लोब रखा है, इसके मामू ने इसको गिफ्ट दिया था, एक तकिया रखा मैंने इस पे, बहुत प्यारी बेडशीट है। ये देखिए, छोटे छोटे से टेडी बने हैं इस पे, लव लिखा हुआ है। और ये इसका रैकेट रखा है, एक्चुअली ये इसी का रूम है, मेरे बेटे का रूम है। ये मुझे तंग कर रहा था, जल्दी करो, तो मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। एक टेबल है साइड पे, उस पे बहुत सारा सामान है, पानी की बोतल, वो नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि अभी मैं उधर साफ कर रही हूँ, बुक्स वगैरह सब दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है। तो अब मैं कुछ और काम करती हूँ, यहाँ पे बैठ के पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कल इसका SST का एग्जाम है, हाफ ईयरली T1 जिसको कहते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने नीचे शीट डाला हुआ है, क्योंकि हमारा काम ये आधा रह गया था, हमें जल्दी थी कि हमें अपने घर में जाना है, हम लोगों ने वेट नहीं किया, तो हम रेंट पे रहते थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये लॉबी वाली है नीचे शीट, इसलिए हमने शीट डाला है। अच्छा है ये शीट, एक साल होने वाला है और बहुत अच्छा है, देखिए फटा नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी, अच्छा लगता है, साफ हो जाता है, पोछा भी लगता है इस पे, अच्छे से साफ हो जाता है। ये एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर भी है, इसमें फोटो है फैमिली के, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको अच्छे से। आई होप आपको पसंद आएगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिए। मेरा बेटा मुझे देख के हंस रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, क्या करती रहती है, ये मुझे बोलता आपकी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है। मैंने कहा बन तो जाएगी, कभी तो कोई पसंद आएगी किसी को, बन जाएगी, बच्चे है ना, इनको कहाँ वीडियो अच्छी लगती है, अब ये कुछ और जैसा सोचते हैं, मेरी एज वाले कुछ और सोचते हैं, तो इसलिए डिफरेंस आता है हमारी सोच में। फिर भी मैं इसको बोलती हूँ कि तू मुझे डिमोटिवेट क्यों कर रहा है, मोटिवेशन देना चाहिए बंदे को, लेकिन ये मुझे अभी परेशान कर रहा है, देखिए कि ये क्या बोल रही है। एक कोई बात नहीं, हम दोनों की मस्ती चलती रहती है, मस्ती करते रहते। ये देखिए, ये छत है, यहाँ पे बेल लगा दी थी, ये बेल हमने चेंज करनी, यहाँ पे रूम में लगा दी थी मिस्त्री ने, तो ये अच्छी नहीं है। ये मैं दिखाती हूँ, इसकी पसंद का कलर है, ये POP वाला डिजाइन बनवाया था हमने। ये देखिए, अभी लाइटें भी जला रहा है, इसी कलर के मैंने पर्दे भी लाए थे, अभी मैंने इनको फोल्ड रखा है, क्योंकि मैंने कमरा खिड़कियां सब साफ की हैं, तो इसलिए इनको ऊपर करके रखा था, वो नीचे नहीं लाया मैंने अभी। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, एक लाइट ये दिखा रहा है मुझे, और इधर से, तो चलिए मत करना, क्या कर रहा है, क्या कर रहा, ये मुझे परेशान करता रहता है, गंदा बच्चा, तंग करता है। ये देखिए, अपना सेटअप लगा रहा है पढ़ने के लिए, अगर इसके अच्छे नंबर नहीं आए तो इसकी पिटाई करूंगी मैं। ये देखिए, बस वीडियो बनाने चल पड़े, ये मुझे बोलता है आप काम नहीं करते, बस वीडियो बनाते रहते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि घर का काम सारा मैं ही करती हूँ, ये काम नहीं करते गाइस। अच्छा, देखिए क्या हो रहा है, कोई काम नहीं करते हैं, खाना मैं बनाती हूँ, झाड़ू मैं करती हूँ, पोछा मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, और जब ये पढ़ता है इसके साथ भी बैठती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी इसको हेल्प भी करती हूँ। कल भी मैंने इसको SST पढ़ाई थी, अभी ये मुझे कह रहा है
क्या आप सब कुछ दिखा रहे हो? टेबल नहीं दिखा रहे हो, गंदा है। तो इस पे थोड़ा सा सामान है, ये देखिए, और एक दवाई का डब्बा था, वो मैं दिखाती हूँ आपको। सामान उठा दिया टेबल से, दवाई के अंदर दिख रहा था। ये रहा ये डब्बा, मेरी दवाई का डब्बा, इसमें मेरी दवाइयां रहती हैं। और एक ये इसका सामान था टेबल पर, ये भी मैंने उठाया है, और भी दिखाती हूँ आपको। और एक दवाई की बोतल है, ये भी थी। अब ये मुझे बोल रहा आधा सामान उठा दिया है, ये मैंने साइड में रखा, लेकिन मैं छुपाऊंगी नहीं, सच में यही था। ये देखिए, इसका टैब का कवर बनवाया हुआ पीओपी से, इसमें भी अभी हमने कुछ लगाना है, शीशा लगाएंगे या कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। छोटा सा एक येलो वाला बल्ब भी रखा है, ये देखिए, जैसा ऊपर कलर किया है ना वैसे वाले पर्दे मैंने लाए थे इसके लिए। और एक ये फैन भी रखा है, ये देखिए। कैसा लग रहा है आपको ये डिजाइन? अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। और मैं ये रहे इसके रैकेट, और मैं यहां से आपको डोर भी दिखाती हूँ इस कमरे का कैसा है। ये देखिए, ऐसी ऐसी बात नहीं, एप्पल वाले हमारे कुंडे लगे हुए हैं दरवाजे को, देखिए। चाहे एप्पल फोन हम कभी ला पाए या नहीं, लेकिन हाँ बुल्ट बोलते हैं हम लोग इसको, कुंडा होता है जो दरवाजे का, इस पे जरूर एप्पल बना हुआ है हमारे। ये देखिए, एक हैंडल पे भी बना हुआ है। हाँ हम ये कह सकते हैं कि एप्पल वाले हैं हमारे, इस पे कुंडे लगे हुए दरवाजे पे। ये वाला दरवाजा हमने यहाँ पे बनवाया है, इसको कोई पेंट नहीं किया है, कुछ नहीं है, जैसा दुकान से लाया और उसने फिट कर दिया। थोड़ी सी इसको कटिंग करनी पड़ी थी ऊपर और थोड़ा सा नीचे साइड से, और उसने ये कुंडी वगैरह यहाँ पे आके जोड़ी, बस ऐसा ही बना हुआ ही था ये। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें। ये मैं दिखाती हूँ आपको सामने से, हेमा मालिनी जी भी दिख रही है इस पे, कैंट गोल्ड है ये। इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती रहती हूँ, कप में भर के रखती हूँ, और जैसे किचन में आ रही हूँ अंदर बाहर चक्कर लगा रही हूँ तो फिर डालती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। देखिए इतना सा पानी हो गया ऊपर, नीचे वाले में फिल्टर हुआ है, यहाँ तक है, आधा फिल्टर है इसका, इतना सा है इसमें पानी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, कभी भूल गई तो पानी खत्म हो जाता है, फिर मुश्किल होती है मुझे। यहाँ का पानी है काफी, मिट्टी वगैरह सब आती है पानी में, तो फिर पहले उनको दूसरे बर्तन में भर के रखती हूँ, उसके बाद में फिल्टर में डालती हूँ ऊपर ऊपर से। तो कैमरा लेके आए, ये देखिए माय यूट्यूब फैमिली, मैं आटा गून रही थी, मेरा बेटा कह रहा है कि अभी क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो आप। ये लेके आया है मोबाइल यहाँ पे। आज हमने दोपहर के लिए दाल या चावल कुछ नहीं बनाए, आज हमने फुलके बनाने हैं, तो साथ में बनानी है न्यूट्री, न्यूट्री की सब्जी बनानी है मैंने, कल शाम को भी मांग रहा था, तो लेकिन मैंने शाम को दाल बनाई थी। तो सुबह वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, देखिए मैंने न्यूट्री पानी में रख दी है, गर्म हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने प्याज डाला हुआ है, यहाँ से हवा आ रही है बाहर से, तो गैस बुझ रही है। ये सब्जी के लिए मैंने तड़का बनाने के लिए स्टार्ट किया, मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको, देखिए कैसा व्यू दिखता है बाहर का, मेरी किचन की खिड़की से ऐसा नजर आ रहा है। एक्चुअली आज बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, देखिए आप पौधा हिलता हुआ देख पा रहे होंगे जाली के जैसे। गैस भी मेरी बुझ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, थोड़े बादल हैं, तो बड़ा अच्छा है, सुहाना मौसम है आज। मेरे प्याज भुनने वाले हैं, प्याज मेरा भुन गया है, मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली काट के, अब मैंने इसमें ऐड करने हैं दो टमाटर। नमक भी डालना है मैंने इसमें, लेकिन मुझे नमक का पैकेट खोलना पड़ेगा, एक्चुअली मैं सुबह भूल गई हूँ, डिब्बे में नमक खत्म हो गया था, तो वो पहले निकालती हूँ मैं। तो
खिड़की बंद करनी पड़ी मुझे क्योंकि हवा चल रही है बाहर से, गैस बुझ रही है। मैंने आधी चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। लोहे वाली कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, ये काफी पुरानी है और अच्छा बनता है इसमें। दूसरी वाली कढ़ाई में इतना अच्छा तड़का नहीं बन पाता है, इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाला है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी मैं डालूंगी मेथी डालने के बाद में, थोड़ा सा ऊपर से, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मसाला मेरा अच्छे से बन गया है और मैं इसमें न्यूट्री डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है अभी इसका, बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी, चुटकी भर पाउडर है जो पीस के रखा था मैंने। चलिए इसको हम बनने देते हैं, मैं फुलके बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए माय यूट्यूब फैमिली, ये मैं ब्राउनी और स्नोई के लिए बनाती हूँ। ऐसे जितनी दो रोटी होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ। तो ये बड़ी रोटी मैं हमेशा ही उनके लिए पहले बनाती हूँ, जब भी फुलका बनाती हूँ मैं, चाहे बना भी हो एक दो फुलका हो जब भी हो तो, लेकिन मैं सबसे पहले उनके लिए बनाती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है उनके लिए बनाती हूँ, जैक आता है खाते हैं वो लोग। ये इनका ब्राउनी सोई फुलका इनका पक गया है, और भी बनाऊंगी मैं, लेकिन पहले अभी एक अपने बेटे के लिए स्टार्ट करूंगी। ये कह रहा है पहले मेरे लिए बनाओ, मुझे भूख लगी है। ये देखिए इनका वाला फुलका बन गया है, दूसरा मैंने बनाने के लिए रेडी रखा है। देखिए दूसरा फुलका भी मैंने बना दिया है, अभी देखती हूँ। आवाज तो आ रही है स्नोई की मुझे बाहर से, ब्राउनी है सॉरी, स्नोई नहीं बाहर। अभी इनका फुलका बन गया है, दो बड़े बड़े से फुलके मैंने इनके लिए बना दिए हैं। ब्राउनी भूख रही है बाहर। इनके लिए मैंने चावल भी रखे हैं, देखती हूँ अभी कौन है बाहर, कौन खाता है कौन नहीं खाता है। स्नोई आज दो दिन से नाराज है हमसे, वो कम आ रही है, किसी और के घर पे ज्यादा रह रही है, वो नाराजगी जताती है, वो फिर बात नहीं करती है, पास नहीं आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नहीं बोलेगी अब हमारे साथ। बोलने मतलब वो जैसे आवाजें करती है तो मुझे लगता है वो मेरे से बातें करती है, लाड जताती है। वो भी बहुत प्यारे जानवर है, ये मुझे तो बहुत पसंद है। यहां से बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक्चुअली जाली के साथ में थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने में, ये बाहर आड़ू का पेड़ लग रहा है, साइड में पीछे भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। बहुत सुंदर नजारा आई मेरे किचन के सामने से, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए अभी हम क्या लाए हैं, आइसक्रीम लाए हैं। ये जो खोली हुई है ये दोनों ही सेम है, ये देखिए इसके दो कलर है, एक वेनिला फ्लेवर इसका, एक स्ट्रॉबेरी, बहुत टेस्टी है ये। तब हम एंजॉय करते हैं बाहर बैठ के, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के। मैं ये फैन लगाया क्योंकि मच्छर है, इसीलिए थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद चले जाएंगे अंदर। बहुत अच्छी आइसक्रीम है ये, मुझे बहुत पसंद है। मेरा बेटा अपने पैसों से लेके आया है,
मुझसे मांग रहा था, मैंने कहा मैं तो हमेशा खिलाती हूँ, तू भी खिला दे। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी लड़ाई के बाद में फाइनली ये लेके आया है अपने पैसों से। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। देखिए हम बाहर बैठे हैं, तो अभी सूरज ढल गया है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई हो रही थी, कुछ बातें भी हो रही थी, और यहीं पे बैठ के हमने आइसक्रीम भी खाई। और ये मुझे कह रहा है कि मेरा साइकिल दिखाओ। ये देखिए, ये साइकिल दिखाने बोल रहा है, इसने रस्सी से बांधा हुआ है। ये मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से लाल सी रस्सी दिख रही होगी, ये देखिए यहां से इसने तोड़ा है ये। अब मुझे कह रहा है कि आप बोलो वीडियो में कि हाँ मैं इसको ठीक कराने ले जाऊंगी साइकिल को, कि मैंने इसको बांध के रखा है तो अभी आप ले जाओ। चलिए अभी आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा।